नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट के बारे में। और आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, यह आधारित है, आप देख रहे हैं कि मैमल्स पर आधारित है, क्लास मैमल्स। ठीक है, अभी हमने इसके पहले देखा था क्लास एबीज। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, यह है क्लास मैमल्स। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त। और यह हमारा जो सेशन है दोस्त, आपको बता दें कि यह दिन प्रतिदिन अर्थात डेली यह सेशन चलता है, जिसकी जिसका जो टाइम है यही समय 9 बजे। ठीक है, शाम 9 बजे हमारा डेली सेशन चलता है। तो चलते हैं, देखते हैं अपना पहला प्रश्न आज का क्या कह रहा है। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्त, पहले प्रश्न की, तो यहां पर देख रहे हैं यह है पहला प्रश्न। तो ध्यान दीजिए, पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, इसको कह रहा है लिविंग मैमल्स इंक्लूड। ठीक है, स्तनधारी, जीवित जो स्तनधारी हैं उसमें क्या शामिल है। कह रहा है उसका एक, आप कह सकते हैं कि मुख्य कैरेक्टर भी है जो जीवित जीवधारी है इस समय। कह रहा है क्या शामिल है, कह रहा है लार्जेस्ट टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, कह रहा है कि जो लिविंग मैमल्स हैं इनमें क्या शामिल है, लार्जेस्ट टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। जी सही बात है कि लार्जेस्ट टेरिस्ट्रियल एनिमल कौन है भाई। आप जानते हैं टेरिस्ट्रियल एनिमल की बात करें तो आप जानते हैं कि एलिफेंट है। क्या है, एलिफेंट्स, हाथी। ठीक है, एलिफेंट, और ये तो शामिल है, टेरिस्ट्रियल है। ठीक है, क्या है, टेरिस्ट्रियल है, स्थली जंतु है। और कह रहा है लार्जेस्ट एक्वेटिक एनिमल, यह भी मैमल्स में शामिल है। ठीक है, मैमल्स में यह भी शामिल है। कौन लार्जेस्ट एक्वेटिक एनिमल्स, इसमें कौन है, ब्लू व्हेल। क्या है दोस्त, इसमें ब्लू व्हेल। ठीक है, नील व्हेल, यह भी स्तनी के अंतर्गत है, और एलिफेंट भी है, ब्लू व्हेल भी है। कह रहा है एग लेइंग एनिमल्स, जी बिल्कुल, कुछ अंडे देने वाले भी हैं प्रोटोथीरियंस के। ठीक है, जिसमें प्लेटीपस एक और एकीडिना दो महत्वपूर्ण हैं, वो भी शामिल हैं। कौन से, प्लेटीपस है तो स्तनी दोस्त, लेकिन ये क्या देता है, अंडा देता है, और एकीडिना है। ठीक है, ये अंडा देता है, और ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव, डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, लिविंग लिविंग मैमल्स इंक्लूड्स ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है इरा ऑफ मैमल्स। ठीक है, स्तनी का, देखिए मैं आपको बताया था यहां इरा की बात कर लिया ना, तो बताया था कि इयोन, फिर इरा, इयोन इरा, फिर क्या था, पीरियड था, पीरियड, फिर क्या था, इपॉक, इपॉक। ठीक है, इपॉक, फिर उसके बाद है एज। तो आपको बताया था मैंने सबसे बड़ा इयोन, फिर इरा, अर्थात कह दीजिए कि कल्प, और ये महाकल्प। क्या है दोस्त, महाकल्प, और ये है काल, काल, और ये है युग। तो कह रहा है महाकल्प, ठीक है, स्तनियों का महाकल्प कौन सा है, स्तनी का महाकल्प कौन है। ठीक है, कह रहा है सीनोजोइक है कि मीसोजोइक, पैलियोजोइक कि आर्कियोजोइक, इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त, इसका सही जवाब है सीनोजोइक। कौन सा, सीनोजोइक। ठीक है, सीनोजोइक है। अब मीसोजोइक में मैंने आपको बताया था कि इसमें तेजस, ट्रायसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस, और पैलियोजोइक मैंने आपको बताया था कॉस डीसीपी, कॉस COS और DCP। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, ये इतने पीरियड थे, छह, सी कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस और परमियन। तो यहां पर आपने देखा था आर्कियोजोइक में यहां फर्स्ट लाइफ आया था, फर्स्ट, ठीक है, ओरिजिनेट ऑफ लाइफ, ओरिजिन, जीवन की उत्पत्ति हुई थी कहां, आर्कियोजोइक, यहीं से पहला जो है जीव आया था। तो इसका सही जवाब क्या है, सीनोजोइक, इसका राइट आंसर है। इरा ऑफ मैमल्स, एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं इसको, एज ऑफ एंजियोस्पर्म भी है, एज ऑफ बर्ड्स भी कहलाता है। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आखिर तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, कह रहा है टस्क इन एलिफेंट्स आर मॉडिफाइड, जो हाथी में टस्क होता है वह किसका रूपांतरण है। टस्क, आपने देखा हाथी में दो ठो ऐसे दांत निकले होते हैं, कुछ इस तरीके से करता है, आपने देखा होगा कि टस्क, आप एलिफेंट, इसका जो है काफी जो है व्यापार भी करते हैं कुछ लोग, जो है शिकारी मार वार करके उसको ले लेते हैं, जो बड़े बड़े से होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से निकले होते हैं। तो कह रहा है लोअर इंसीजर होता है। अच्छा, अगर इनकी बात करें तो आप जानते हैं कि दांत कितने प्रकार का होता है, आई, सी, पी, एम और एम। ठीक है,
इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। तो कह रहा है कि जो टस्क ऑफ एलिफेंट होता है, एलिफेंट में टस्क दांत होता है, वो किसका रूपांतरण है। तो कह रहा है कि देखो ये भी देखा होगा तो ऊपर ही साइड में ना देखा है, ऊपर ही निकलता है, तो ऊपर मतलब अपर, अपर में आप जाओ। कह रहा लोअर इंसीजर नहीं, कह रहा है लोअर कैनाइन नहीं, कह रहा अपर कैनाइन। अब बात आती है कैनाइन और इंसीजर की, तो पहले शुरुआत के ही दो हैं, क्या हैं ये इंसीजर हैं, अपर इंसीजर, कैनाइन नहीं मेरे दोस्त, क्या अपर इंसीजर है, यह क्वेश्चन आ भी चुका है। अपर इंसीजर होता है टस्क इन एलिफेंट्स और मॉडिफाइड, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है, डी नंबर इसका राइट आंसर है। अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, देखिए कह रहा है क्वेश्चन 4 में विच मैमल्स सोज पॉलीएम्ब्रियनी, कौन सा इसमें स्तनी ऐसा है जो बहुभ्रूणता प्रदर्शित करता है, कौन सा स्तनी ऐसा है जो क्या प्रदर्शित करता है दोस्त, यहां पर प्रदर्शित करता है, कह रहा है कि बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता। आप जानते हैं कि मोर देन वन फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन इम्ब्रियो, एक से अधिक इम्ब्रियो का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, पॉलीएम्ब्रियनी कहलाता है। बहुभ्रूणता कहलाता, कह रहा किस मैमल्स में होता है, स्लॉथ में होता है नहीं, कंगारू में नहीं, कह रहा सोरेक्स, सोरेक्स में ये भाई ये लार्ज जो है टेल्ड होता है, स्त्रियु टेल्ड स्त्रियु होता है, कह रहा अर्माडिलो में, अर्माडिलो, अर्माडिलो जी इसका करेक्ट आंसर है, अर्माडिलो ही है, डी इसका राइट आंसर है। अर्माडिलो क्या है, आप जानते हैं कि ये आपने कभी देखा होगा कि एक स्तनी ऐसा भी है जो बिल्कुल एक कवच उसके ऊपर रहता है, जैसे आपने मारुति केचुई केचुही मतलब केचुआ केचुआ नहीं कछुआ, कछुआ जो होता है मारुति साइड में होता है ना, तो वैसे ही ये बिल्कुल ये भी होता है, इसके ऊपर एक कवच होता है, अपने माउथ को अंदर घुसा लेता है, उसमें पूंछ भी होती है और भागता है बहुत तेजी से, ए मैमल्स ही है और बिल्कुल कवर से ढक लेता है। अर्माडिलो की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है, एक इसमें ही चार इसमें से शिशु निकलते हैं, कितने चार निकलते हैं, तो इसको कहते हैं बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता पाई जाती है किसमें, अर्माडिलो में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 5 नंबर का, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन ऑफ फॉरेस्ट, निम्नलिखित में से किसे जंगल का आदमी कहते हैं, किसे जंगल का आदमी कहते हैं, मैन ऑफ फॉरेस्ट अर्थात जंगली आदमी, मतलब ऐसा आदमी जो केवल जंगल में रहता हो, अब या तो साधु संत हो जाइए तभी जंगल में चले जाओ, लेकिन कहाँ वहाँ पर भी दौड़ा लेंगे शेर वेर दौड़ा लेंगे, समझ रहे हैं, नहीं नहीं जाना नहीं दोस्त। कह रहा है कि कौन है मैन ऑफ फॉरेस्ट, कह रहा है ऑरंगुटान और जिब्बन बबून बबून गोरिल्ला, तो कौन है इसमें से कौन रहता है भाई, किसे मैन ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं बताइए, कौन है मैन ऑफ फॉरेस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है और ऑरेंगुटान, कौन है ऑरेंगुटान, यही है। देखिए इसके बारे में बात करें तो ये इसे ही जंगल का मनुष्य कहते हैं, और ये अधिकांशतः क्योंकि अधिकांश रूप में जंगल में ही रहता था और पेड़ों पर रहता था, उछल उछल के चलता था, समझ रहे हैं, कहाँ पर वृक्षों पर ही अपना ये मजा लेता था, वहीं पर बैठता रहता था, ठीक है, कौन ऑरेंगुटान। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। मैंने आपको बताया दोस्त, देखिए मजा आएगा बिल्कुल, ये डेली क्लास चलने वाली है, प्रैक्टिस सेट तो बिल्कुल डेली ही चलेगा, बीच में हमारे जो लेक्चर आएंगे अभी इस पर आधारित, ठीक है, लेक्चर्स भी आएगा, तो जो लेक्चर्स आएगा उसमें भी आप देखिए कलेक्शन होगा, पॉइंट टू पॉइंट का एक कलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलते हम क्वेश्चन को देखते हैं, जो भी सूचनाएं होंगी मैं आपको उपलब्ध कराता रहता हूं, वैसे भी जो आपकी समस्याएं हो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके उसका आंसर तुरंत भी आप ले सकते हैं, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सहायक बैठे हैं और आपके जो कमेंट्स हैं कमेंट्स के आंसर दे भी देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहा है मार्सुपियल्स आर फाउंड इन, मार्सुपियल की अगर बात आती है दोस्त तो एक ऐसा ये जंतु है, एक ऐसा जंतु है, एक ऐसा मैमल्स है, हम आपको बता दें ये क्या करता है, इसमें पाउच होता है, पाउच मतलब थैला होता है, जहां पर अपने बच्चे को क्या करता है रख लेता है, ठीक है, भर लेता है। कह रहा मार्सुपियल जैसे कंगारू नहीं आता, कंगारू दोस्त कंगारू, ठीक है, मार्सुपियल कंगारू, अरे बाप रे कंगारू यहां, तो कह रहा है कहां होता है, कहां पाया जाता है, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, कंगारू का जब भी नाम आता है तो कहां पाया जाता है दोस्त, ऑस्ट्रेलिया, आप जानते ही हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें कि क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7
कह रहा वेल इज अ मैमल बिकॉज, ठीक है, कह रहा वेल 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 कह रहा है कि वेल एक मैमल से है, स्तनी है, क्योंकि क्यों अस्तनी है वेल्स, ठीक है, क्यों कहा जाता है वेल्स को अस्तनी, ठीक है, आखिर उसके पीछे कारण क्या है। करा लेज इग्स, नो। करा हार्ट हैज फोर चैम्बर, हाँ होता तो है चार चैम्बर्ड। करा एक्वेटिक हैबिटेट, होता तो है एक्वेटिक में, लेकिन एक बेहतरीन हम ढूंढ रहे हैं ना कि एक एग्जैक्ट क्या है इसमें। करा डायाफ्राम इज फाउंड बिटवीन थोरेक्स एंड एब्डोमिनल कैविटी, बिल्कुल डायाफ्राम, और यह अगर आ जाए तो ओनली ओनली डायाफ्राम एक ऐसा ही करेक्टर है जो मैमल्स में होता है, और ये डायाफ्राम ब्लू व्हेल्स में भी है, जो किसको अलग करता है, थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। एब्डोमिनल कैविटी है और थोरैसिक कैविटी दोनों में यहां पर डायाफ्राम क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। डायाफ्राम अगर इसके बारे में रहस्य बता दें, मैं इसको तो कभी भूलता ही नहीं डायाफ्राम, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि डायाफ्राम कुछ काम करता है एब्डोमिनल और थोरैसिक कैविटी को पृथक कर रहा है। अब एक बार मैं लालच में आ गया, गया पार्टी में और वहां पर देखा रसगुल्ले बड़े बड़े से थे और मस्त रसगुल्ले थे, और खा लिया इतना ज़्यादा, भाई मेरा डायाफ्राम भी परेशानी में आ गया था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें क्या, सांस जो है सही से आ ही जा नहीं रही थी। फिर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया देखो ये डायाफ्राम को तकलीफ दे दिया, तो रसगुल्ला जब दे दिया था तभी मैं डायाफ्राम को भूलता नहीं हूँ, ठीक है। मैमल्स का एक विशेष करेक्टर है और व्हेल भी इसी कारण मैमल्स है, क्योंकि डायाफ्राम होता है और डायाफ्राम का काम क्या है, एब्डोमिनल कैविटी को थोरैसिक कैविटी से क्या करता है, पृथक करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या, अच्छा इसका आंसर तो हो गया बिल्कुल डी नंबर, ठीक है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 8। 8 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है मैमल्स यूजुअली हैव एक्सटर्नल ईयर्स, एक ऐसा स्तनी जिसमें एक्सटर्नल ईयर्स होता है, बाहरी कान होता है एक्सटर्नल ईयर्स, और पिन्नी मतलब ये क्या करता है, हेल्प इन क्या करता है, हियरिंग, सुनने में। बट वन ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स हैज नो पिन्ना, विच इज दैट, कह रहा है देखिए मैमल्स में यूजली सामान्य रूप से पिन्ना होता है, मैमल्स में ये पिन्ने होते हैं, मतलब उसमें कर्ण पल्लव मतलब सुनने के लिए तो होते हैं, लेकिन एक ऐसा मैमल्स कौन है जिसमें पिन्ना नहीं होता है, ऐसा कह रहा है इकिडिना है कि इरनेस्कियस है कि टेरोपस है कि फुनेम्बुलस है, इसमें से कौन है, इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई, तो इसका जो सही जवाब है वो इकिडिना है। क्या है, इकिडिना, या यहीं पर होता प्लेटिपस, क्या होता प्लेटिपस, तो वही राइट हो जाता प्लेटिपस भी, ठीक है, इकिडिना अथवा प्लेटिपस, इसमें पिन्ना नहीं होता है, ठीक है। और ये एगलिंग है, एगलिंग अंडे देने वाले स्तनी है, क्या है, अंडे देने वाले स्तनी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है उसकी तरफ भी चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मैमल्स विथ ट्रू प्लेसेंटा आर कॉल्ड अस्तनी स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी कह रहा है जिसमें ट्रू प्लेसेंटा होता है, सत्य प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा आप जानते हैं, प्लेसेंटेशन, नाड़ा, नाड़ेबाजी, आप देखे हैं सभी लोग जब शिशु जन्म लेता है तो क्या करते हैं, बच्चे को जब तक बच्चा गर्भ में रहता है तब तक प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा द्वारा उसको भोजन मिलेगा ना, नाड़ा के द्वारा उसको मिलेगा, जब अलग हो जाएगा तो क्या होगा, उसको काट देते हैं तो मुंह से खाने लगता है। तो कह रहा है कि एक ऐसा स्तनधारी जिसमें सत्य प्लेसेंटा होता है वो क्या होता है, कह रहा है कि प्रोटोथीरिया होता है, कि थीरिया होता है, कि मेटाथीरिया होता है, कि यूथीरिया होता है। देखो मैमल्स जो हैं, मैमल्स को आप जानते हो कि तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया, ठीक है। प्रोटोथीरिया इसमें एगलेइंग वाले हैं, एगलेइंग वाले अंडे वंडे वाले हैं, इसमें हम सब हैं मानव वानव वाले हैं, ठीक है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या है, मैमल्स जो ट्रू प्लेसेंटा होता है वो यूथीरिया ही होता है, कौन सा, यूथीरिया ही होता है जिसमें ट्रू प्लेसेंटा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा सही ऑप्शन है, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, करा द जूलॉजिकल नेम ऑफ इंडियन काउस, इंडियन काउ भारतीय गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। इस समय तो आप देख रहे हैं कि काऊ बिल्कुल आई गए हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं हर जगह है, ठीक है, सांड वांड सब आ गए हैं। तो अब यहां पर कह रहा है द जूलॉजिकल नेम ऑफ इंडियन काऊ, यानी भारतीय गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। कह रहा है बोस इंडिकस, बॉस गोरस, की बाइबोस,
सेंडियकस कह रहा है बुबलस बुबेलिस, ठीक है, बुबलस बुबेलिस, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर क्या है बताइए फटाक से। तो इसका जवाब है बॉस इंडिकस। क्या है? बॉस इंडिकस, नहीं भूलना, ठीक है। बॉस इंडिकस जो गाय होती है इसका क्या है जंतु वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस, ठीक है। तो चलते हैं, और ये तो वाटर बुफैलो है, वाटर बुफैलो, बू बू बू, बू से बुबैलस, बू से बुफैलो, वाटर बुफैलो, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द साइंटिफिक नेम ऑफ रैबिट, रैबिट का यहां साइंटिफिक नेम पूछ रहा है, किसका, रैबिट का साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नाम क्या है रैबिट का। कह रहा है ऑरेक्टोलैगस क्यूनिकुलस, ठीक है। कह रहा है फुनाम्बुलस, ठीक है, लेपस रूफिक ऑडेटस और आर्सिनस। तो इसका सही जवाब क्या है भाई, खरगोश का। अब देखो रैबिट आपके सिलेबस में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रैबिट, ठीक है। मैमल्स में रैबिट ही तो है, ज्यादा से ज्यादा है। तो कह रहा है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम बिल्कुल ऑरेक्टोलैगस क्यूनिकुलस ही है, ऑरेक्टोलैगस क्यूनिकुलस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन रहे आप लोग भाई, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट करिए, कमेंट से ही आपको आंसर भी मिल जाता है, ठीक है बिल्कुल। और यह सेशन डेली का डेली हो रहा है और इस समय चल भी रहा है, तो बिल्कुल आप देखिए, अगर प्रिपरेशन आपको करनी है, परीक्षा फाइट करनी है मेरे दोस्त, तो आप लोग देखिए पहले से, अगर जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी तब तक आप जब परीक्षा नज़दीक आती है तब शुरुआत करेंगे तो हड़बड़ में काम गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। इसलिए पहले से तैयारी बनाइए। देखिए कह रहा है किडनी ऑफ मैमल्स इज, मैमल्स की किडनी कैसी होती है, थोड़ा देखिए को स्लो चल रहे हैं क्या, ठीक है, हमें लगता है फास्ट करना पड़ेगा। किडनी ऑफ मैमल्स, मैमल्स स्तनधारी की किडनी कैसी होती है, प्रोनेफ्रिक होती है कि मेजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक कि नन। तो आप जानते हैं मैमल्स की किडनी कैसी होती है, वो होती है मेटानेफ्रिक होती है। कैसे होती है मेरे भाई, वो होती है मेटानेफ्रिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या कह रहा है, 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इन फीमेल वन ऑफ द फॉलोइंग इज होमोलागस टू पेनिस ऑफ मेल, ठीक है। कह रहा है फीमेल में, मादा में निम्नलिखित में से एक कौन सा ऐसा अंग है जो जो नर के पेनिस के होमोलागस होता है, नर के पेनिस के होमोलागस कौन सा अंग होता है मादा का, ठीक है। तो इसमें मादा का, ठीक है, अर्थात कह दीजिए स्त्री पुरुष कह लीजिए कि पुरुष के पेनिस का, पुरुष के पेनिस का होमोलागस कौन होता है स्त्री का, कौन सा पार्ट्स, ठीक है। कह रहा है क्लाइटोरिस है कि लेबिया माइनोरा है कि वल्वा है कि नन। इसका सही जवाब क्या है, ये क्वेश्चन तो बार बार आया है दोस्त, इसका राइट आंसर है क्लाइटोरिस। क्या है, क्लाइटोरिस इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला हमारा प्रश्न क्या है। कह रहा है करेक्टर फाउंड ओनली इन मैमल्स, बताइए ये क्वेश्चन कौन सा एक करेक्टर ऐसा है जो केवल और केवल मैमल्स में पाया जाता है, ठीक है, केवल मैमल्स में। कह रहा है कि होमोथर्मी, होमोथर्मी, ठीक है। कह रहा है वीविपेरेटी होते तो हैं लेकिन केवल और केवल किस में होता है। कह रहा है डाइकंडाइलिक, ठीक है, जो स्कूल नहीं देता डाइकंडाइलिक मोनोकंडाइलिक। कह रहा है डायाफ्राम, तो अभी मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन आता है अगर केवल और केवल ऐसा आ जाए डायाफ्राम दिखे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 15 कह रहा है एमनियोटा समुदाय में सम्मिलित हैं, एमनियोटा समुदाय में कौन सम्मिलित है मेरे भाई, एमनियोटा में कौन सम्मिलित है, ठीक है, एमनियोटा में कौन सम्मिलित है। एक ट्रिक बताता हूं कभी भूलना नहीं, ठीक है, एमनियोन, इसमें एमनियोन मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। तो एमनियोटा के लिए आप याद रखना, नहीं याद आ रहा है तो आप कहोगे हे राम 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 याद हो जाएंगे, ठीक है, अब चाहे बाबू राम हो चाहे जो भी हो, ठीक है, तो राम याद रखना, एमनियोटा याद करना। देखो एमनियोटा में कौन सम्मिलित है, राम सम्मिलित है, राम ये भगवान सम्मिलित है एमनियोटा में। आर फॉर रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, ए फॉर एवीज मतलब बर्ड, और एम फॉर मैमल्स। देख लो कहां पर मिल रहा है, आर ए एम, आर ये तो ए है, ए तक है, एम नहीं है, आर एम ही है, ए नहीं है, आर ए बर्ड मतलब एवीज है ना, और मैमल्स, तो आर ए एम आ गया भाई, आर ए एम। तो इसका सही आंसर क्या है, सी नंबर, राम, ठीक है। एमनियोटा समुदाय में क्या है, राम है, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, ठीक है, ये सम्मिलित हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया मेरे भाई, इसका सही जवाब हो गया सी नंबर। क्वेश्चन हमारा अगला देखते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसको भूलना नहीं, हर जगह कई जगह काम करेगा ये।
कह रहा है निम्न में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाती है, कौन सी झिल्ली भ्रूण को शुष्कता से बचाती है। कह रहा है विच आर द फॉलोइंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन। ठीक है, कह रहा है एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस, योक सैक। देख लो यूपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा में आया है भैया 2018 में, हाल ही में, तो वही झिल्ली है। राम को याद रखो भाई, एमनियोन, ठीक है, एमनियोन ही है जो क्या करती है, शुष्कता से बचाती है विकासशील भ्रूण को। ठीक है, विकासशील भ्रूण को शुष्कता से क्या करती है, बचाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए नंबर। क्वेश्चन 17 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 17 दमदार क्वेश्चन है कि नहीं भाई, एक बार थंब अप करिए, थोड़ा सा अंगूठा उठा लगाइए तब मजा आए। ठीक है, तब मजा आ जाए एक बार, ये क्वेश्चन दमदार है कि नहीं और यह प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है सही है कि नहीं। ठीक है, देखो कह रहा है सत्य क्या है, सत्य क्या है, क्या है सत्य, हे राम ये सत्य क्या है। ठीक है, राम को मैंने बताया, इस पे बहुत क्वेश्चन आया है मेरे भाई। ठीक है, राम एमनियोन याद रखना बस, एमनियोन, एमनियोटा, एमनियोटा, एमनियोन, तो इसको याद रखना। रेप्टाइल से बीज मैमल्स, ठीक है, कह रहा सत्य क्या है, तो भगवान सत्य क्या है। देखो कह रहा है पिसीज रेप्टाइल एंड बर्ड्स आर पोकाइलोथर्मस, कह रहा पिसीज एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर, ये सब पढ़ रहे हैं असमतापी, ऐसा यहां देख लेना आप, पोकाइलोथर्मस का मतलब कह रहा है असमतापी है। ठीक है, कह रहा है एवीज मैमल्स आर रेप्टाइल्स आर होम्योथर्मस, रेप्टाइल्स एवीज एंड मैमल्स आर एमनियोटा, 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 ये आ गया भाई। ठीक है, आर ए एम, एमनियोन, एमनियोटा में आ गए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका सही नंबर है डी। ठीक है, इसका सही नंबर क्या है भाई, इसका सही नंबर है डी। क्वेश्चन अगला देखते हैं कि अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। कह रहा है कि नवजात बच्चे, नवजात जो जन्म लेते हैं उन बच्चों की बात कर रहा है। कह रहा है अंधे बहरे, मतलब अंधा बहरा देख भी नहीं रहा है, महात्मा गांधी के तीन बंदर, ठीक है, और बाल विहीन, बाल भी नहीं होता है, अंधे बहरे और बाल विहीन होते हैं किसमें। कह रहा है जो कौन से शिशु हैं, कह रहा है बंदर में, कुत्ते में, कुत्ते में तो आ जाते हैं वो बाल वाल रहते हैं ना इनमें जो है आगे म्यू म्यू च्यू च्यू करते हैं, और बिल्ली में भी म्यू म्यू बाल वाल रहते हैं, बंदर को तो नहीं देखा, बंदर तो बड़ा खतरनाक होता है, बच्चा निकलने के बाद ही फुदकने शुरू कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, खरगोश। ठीक है, खरगोश में, ठीक है, न्यूली बॉर्न यंग वंस आर ब्लाइंड डेप्थ एंड हेयरलेस। ठीक है, ये खरगोश का ही एक शिशु है जो जन्म के समय अंधा बहरा और बाल विहीन होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करें, कौन सा प्राणी अंडा देने वाला स्तनधारी है, कौन सा प्राणी अंडा देने वाला स्तनधारी है, प्रोटोथीरियंस। ठीक है, अब इसमें मैंने अभी दो ही बताया था, ठीक है, कौन कौन से बताया था, एकिडिना, एकिडिना का मतलब क्या, टैकिग्लोसस। ठीक है, टैकिग्लोसस और प्लेटिपस, तो कह रहा है कौन सा अंडा देने वाला स्तनधारी है। विच एनिमल इज इग लेइंग मैमल्स, इग लेइंग मैमल कौन है, कह रहा है डाइडेलफिस, मैक्रोपस, टेरोपस और टैकिग्लोसस। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही जवाब है बिल्कुल डी नंबर ही, इसका सही जवाब है टैकिग्लोसस। आप लोगों में से तैयारी बहुत तगड़ी है कई लोगों की, ठीक है, देखता हूँ तो मजा आ जाता है मुझे भी कि वास्तव में आप लोगों में से तैयारी आप लोगों की सही चल रही है। 21 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, कह रहा है अगला, बिना चूचक के स्तन ग्रंथि पाई जाती है, किसमें बिना चूचक के स्तन ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, कह रहा है मेटाथीरिया में, प्रोटोथीरिया में, थीरिया में, यूथीरिया में। ठीक है, अब मैंने बताया प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया और यूथीरिया, यूथीरिया में तो होता ही है चूचक, ठीक है, मेटाथीरिया में भी, अब प्रोटोथीरिया में नहीं, क्योंकि ये अंडे दे देते हैं ना, तो प्रोटोथीरिया में, ठीक है, अंडे देते हैं, हालांकि वो दूध पिलाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो है चूचक के बिना ही स्तन ग्रंथि होती है, किसमें, प्रोटोथीरिया में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, बी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ, कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है स्तनधारी जंतु जो अंडे देता है, ऐसा स्तनधारी जंतु जो अंडे देता है, क्वेश्चन फिर से आ गया। कह रहा है खरगोश है कि मैक्रोपस है कि भेल है कि डकबिल प्लेटिपस है। अब डकबिल लगा दिया ना, तो इससे बिलबिला मत जाना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, यही बिल्कुल डकबिल प्लेटिपस ही है। इसका क्या होता है, थोड़ा चपटा इसे होता है, चपटा होता है। ठीक है,
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 23 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है जिराफ में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है। जिराफ में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन जिराफ, सर्वाइकल वर्टिब्री इन जिराफ में कितनी होती है। कह रहा 17, 27, 7, 37 तो कितनी होती है। इसका जवाब है 7। कितना है 7 होता है 7। कितना मेरे भाई 7 होता है। ठीक है 7 साथ साथ पढ़ेंगे साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे। ठीक है क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 24। देखो सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाती है। सबसे बड़ी ग्रास नली खाएगा तो कुछ दूर जाएगा कुछ देरी तक खा रहा जा रहा है। ठीक है सबसे बड़ी ग्रास नली किसमें होगा। कह रहा लार्जेस्ट इसोफेगस इज फाउंड। कह रहा है डॉग फिश कुत्ता मछली में स्कोलियोडन। कह रहा है फ्रॉग में, फ्रॉग में तो छोटे ही होता है उछलेगा कुदकेगा। स्पैरो गौरैया में तो उसमें भी थोड़ा चलेगा इधर उधर भागेगा। और कह रहा है कि जिराफ, जिराफ में देखो ना उसकी लंबी गर्दन होती है ऐसे करता है जिराफ। तो सबसे लंबी गर्दन किस सबसे लंबी ग्रास नली, और ग्रास नली तो भी बड़ी लंबी होगी किसमें होगी जिराफ में होगी। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा हाथी का दंत विन्यास, अभी हाथी में एक ठौर पूछा था वो पूछा था कौन सा अपर इंसीजर। ठीक है टस्क ऑफ एलिफेंट मॉडिफाइड होता है। करा हाथी का दंत विन्यास पूछ रहा है। करा कौन है। करा 1003/0003 1003/1003 नहीं। करा है कि 1023/1013 नहीं। कह रहा है कि 2033/1033 नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है मेरे भाई। इसका राइट आंसर है 1003/0003। यही देखो इंसीजर होता है कैनाइन प्रीमोलर मोलर, यही अपर इंसीजर है, यही टस्क होता है, बाकी ये तीन तीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए नंबर इसका सही जवाब है। कौन सा ए इसका सही जवाब है। ठीक है देखते हैं 25 नंबर का कौन सा हो गया ए। अब चलते हैं 26 नंबर पे। किस पे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 26 नंबर हमारा क्या कह रहा है। देखिए करा हिप्पोपोटामस पाया जाता है। हिप्पोपोटामस कहाँ पाया जाता है। कह रहा अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में कि ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होता है हिप्पोपोटामस कहाँ होता है। ठीक है बताइए हिप्पोपोटामस कहाँ होता है भाई। ठीक है कहाँ होगा हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस ये होगा बिल्कुल अफ्रीका में होता है। कहाँ होता है हिप्पोपोटामस अफ्रीका में। और अफ्रीका के किस नदी में, नील नदी में। किस नदी में, नील नदी में। ठीक है चलते हम 27 नंबर की बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। ठीक है चलिए देखते हैं। कह रहा है प्राइमेट्स में सम्मिलित है, प्राइमेट्स में क्या सम्मिलित है। कह रहा है कपि तथा मानव, बंदर कपि तथा मानव, लोरिस लीमर्स तथा टार्सियर्स। लोरिस लीमर्स टार्सियर्स बंदर कपि तथा मानव पूरा सम्मिलित है, पूरा पूरा। ठीक है सब सम्मिलित हैं लोरिस लीमर्स और टार्सियस और मंकीज एप्स एंड मैन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर है। कौन सा डी इसका सही जवाब है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन 28 देखो कह रहा है काउपर्स ग्रंथि होती है। काउपर्स ग्रंथि किसमें होती है। ठीक है थोड़ा चिपचिपी पदार्थ स्रावित करता है ना लसलसा काउपर्स ग्लैंड। कह रहा है मेंढक में होता है, केचुआ में होता है। केचुआ केचुआ इनका करेंगे ये तो हर्माफ्रोडाइट है एक ही में होता है। ठीक है और कह रहा है कि तिलचट्टा में नहीं। और कह रहा है कि खरगोश में, तो खरगोश में होता है मैमल्स में होता है। ठीक है काउपर्स ग्लैंड कहाँ होता है डी नंबर खरगोश में होता है काउपर्स ग्लैंड। ठीक है कहाँ होता है खरगोश में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है तीसरा वेंट्रिकल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है तीसरा वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल इज फाउंड इन कह रहा है खरगोश के हृदय में, खरगोश के मस्तिष्क में, कीटों के हृदय में, कीटों के मस्तिष्क में। कहाँ होता है हार्ट ऑफ रैबिट्स, ब्रेन ऑफ रैबिट्स, हार्ट ऑफ इंसेक्ट, ब्रेन ऑफ इंसेक्ट। बताइए कहाँ होता है इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है बताइए हम भी देखें थोड़ा सा क्या होगा तीसरा वेंट्रिकल कहाँ होता है भाई। बिल्कुल ये होता है कहाँ पर ब्रेन ऑफ रैबिट्स, ब्रेन ऑफ रैबिट्स में होता है, खरगोश के मस्तिष्क में होता है, खरगोश के मस्तिष्क में होता है। ठीक है अगला क्वेश्चन नंबर 30
क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है वृक्क निर्वाहिका तंत्र अनुपस्थित होता है। वृक्क निर्वाहिका तंत्र अनुपस्थित होता है, किसमें अनुपस्थित होता है? कह रहा है रीनल पोर्टल सिस्टम इज अब्सेंट। रीनल पोर्टल सिस्टम अब्सेंट किसमें होता है? कह रहा है कि फ्रॉग में, रैबिट में, रेप्टाइल में, क्लिजार्ड में, ठीक है, किसमें किसमें अब्सेंट होता है बताइए। तो इसका सही जवाब होगा बिल्कुल रैबिट ही, रैबिट में अब्सेंट होता है क्योंकि मैमल्स में है, मैमल्स में अब्सेंट होता है। कौन? रीनल निर्वाहिका तंत्र, सॉरी रैबिट में। इसका सही जवाब क्या हो गया? बी नंबर, ससक में, खरगोश में, रैबिट में वृक्क निर्वाहिका तंत्र अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? बी नंबर। ठीक है, तो दोस्त इस तरह से जो हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जो हम लेकर के आ रहे हैं बिल्कुल ये क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं एक बार कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे और इसमें से बहुत लोग सक्रिय रहते हैं और तड़ातड़ बिल्कुल, और जितनी संख्या आप लोग बढ़ाएंगे अगले दिन उतना ही दमदार क्वेश्चन और होगा। ठीक है, तो चलो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।